दोस्तों बारिश शुरू हो चुकी है। इस मौसम में अगर आपको भी हमारी तरह बादलों का मैजिक शो देखना है तो ये प्लेस जो हम लोग दिखाने जा रहे हैं, इट इज वन ऑफ द मस्ट विजिटिंग प्लेस ड्यूरिंग द मानसून। सुबह 5 बजे हम लोग निकल पड़े माथेरान की ओर। ताकि भीड़ होने के पहले हम लोग उस जगह पर पहुंचे। आने से 1.5 घंटे के अंदर हम माथेरान के दस्तूरी नाका जो पार्किंग पॉइंट है वहां पर पहुंच गए। काफी जल्दी पहुंच गए थे तो सारे स्टॉल्स बंद थे। हमने हमारी गाड़ी पार्क करके पार्किंग के बाहर ही एक 30 स्टॉल है वहीं पे हमने चाय पी के हमारी अगली जर्नी स्टार्ट कर दी। Hey guys, this is Nand Kishore and welcome back to our Sangnan YouTube channel. अभी जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये माथेरान का पार्किंग पॉइंट है और यहाँ से मैं आगे जो पैनोरामा पॉइंट है वहाँ पे जा रहा हूँ। आज देखते आज तक अभी तक तो बारिश नहीं है तो मेन हमारा इंटेंशन था यहाँ पे जो इस ड्यूरेशन पे जून के फर्स्ट वीक में कुछ क्लाउड्स आते हैं वो देखने आए। जैसे पार्किंग लॉट से आगे जाएंगे हम लोग तो हमें यहाँ पे एक बोर्ड दिख रहा है एंड यहाँ से आई थिंक 10-15 मिनट लगते हैं। वैसे भी यहाँ पे मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ, इसका एक मराठी में वीडियो है वो भी आप देख सकते हो। तो लेट्स सी गाइस। हम अभी 5 to 6 मिनट तो वॉक कर चुके हैं और ये पूरा रास्ता जो है इसी तरह से बना हुआ है। नीचे जो है पत्थर वाला रास्ता ये और साइड में ऐसे इसको फेंसिंग किया हुआ है और अभी तो फॉग धीरे धीरे जमा हो रहा है यहाँ पर। रास्ता काफ़ी आसान है यहाँ पे जाने का। इस जगह को वैसे बारमुख पॉइंट भी बोलते हैं और पैनोरामा पॉइंट भी। चाहिए था वहाँ पे वैसा दिख रहा है तो अभी हम लोग जो जहाँ पे जाएंगे पैनोरामा पॉइंट पे मे भी वहाँ पे भी ऐसे ही पूरा क्लाउड्स दिखेगा। वहाँ पे दिख रहा है क्लाउड्स, ये नज़ारा है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम फ्रेश लग रहा है। नेरे माथेरान के लिए जो ट्रेन आती है नीचे से नेरे स्टेशन से माथेरान की ओर वो ट्रेन पर ट्रैक पे दिख रहा है यहाँ से। पैनोरामा पॉइंट जाते हुए हमें ये ट्रैक दिखता है, ये देखो आप देख रहे हो। जब भी यहाँ से ट्रेन गुजरेगी तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा होगा। ये फॉग है वो धीरे धीरे यहाँ पे जमा हो रहा है और ये नीचे जो वैली है वहाँ से ही ऊपर आ रहा है। कुछ 10 to 15 मिनट्स का वॉक करके यहाँ पर जो कड़ावर सा गणपति उसका व्यू पॉइंट है ये
वहाँ तक हम लोग 10 to 15 minutes में पहुँच चुके हैं। और उसके आगे ही थोड़ा सा यहाँ से जो वाइट टेम्पल दिख रहा है वो पे फोर्ट है। अगर आप कस्तूरी नाका से घोड़े हायर करते हैं तो आपको ये वाली जगह है यहाँ पे छोड़ देते हैं, और यहाँ से कुछ कुछ मिनट की दूरी पर ही वो पैनोरमा पॉइंट है। हम लोग जो पैनोरमा पॉइंट पे जा रहे हैं, जो कस्तूरी नाका है वहाँ से ये 15 मिनट का रास्ता है, राइट? 15 मिनट का है। तो नंदू किशोर पहले आया है तो उसे पता है, और अभी हम लोग एक्चुअली क्लाउड्स देखना था, बारिश आने लगा है थोड़ा सा, इसलिए हम छाता ऊपर करके हम लोकेशन की तरफ अभी पहुंच गए। अब यहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश हुई अभी, तो सारा कैमरा बैग कैमरा जो है मैंने पैक कर दिया। गार्डन की तरफ जाने वाला रास्ता है, अभी हम लोग यहाँ से गार्डन में जाते हैं, बारिश आया है इसलिए हम थोड़ा टाइम वहाँ पे बैठते हैं। अभी ये जो है इसको बारमुख पॉइंट बोलते हैं, यहाँ पे शायद झाड़ी की कटिंग नहीं हुई है, काफ़ी पेड़ बढ़ चुके हैं यहाँ पर। बारिश फिर से शुरू हो गई है, और इसी जगह पे लास्ट टाइम मैंने ड्रोन उड़ाया था और ड्रोन मेरा क्रैश हुआ था। ये मेरे पीछे जो दिख रहा है यही वो फाउंटेन है, ये फाउंटेन जो है मिस्टर बारमुख जो है उन्होंने बनाया था, और ऐसा बोलते हैं कि वो अर्ली मॉर्निंग सनराइज़ के टाइम पे यहाँ पे चाय पीने आते थे। बारमुख पॉइंट से ही स्ट्रेट जाते ही हमें पैनोरमा पॉइंट जो है वो दिख जाता है, तो अभी हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। सो हम लोग फाइनली पैनोरमा पॉइंट है वहाँ पे आ चुके हैं। और इसको पैनोरमा इसलिए बोलते हैं, यहाँ पे आपको पनवेल सिटी, नेरल सिटी और जो दोधानी वाला रिवर है, और यहाँ पे काफ़ी सारे आजू बाजू के जो किले हैं, फोर्ट है, वो आपको इजीली यहाँ पे विजिबल है। यहाँ पे आपको पूरा 360 व्यू दिख जाता है। मेरे पीछे आप रेलवे का ट्रैक देख सकते हो, जो नेरल माथेरन ट्रेन है उसका ये ट्रैक है, और यहीं पे मेरे पीछे आपको पे फोर्ट है वो भी दिखेगा, वाइट कलर का एक डॉट जैसे दिख रहा है। हाँ से एक्चुअली पे फोर्ट हमें दिखता है, पे फोर्ट के नीचे साइड जो रेलवे ट्रैक जाता है नेरल माथेरन, वो ट्रैक वाला रूट भी यहाँ से काफ़ी अच्छा दिखता है, तो काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से वो पे फोर्ट का। और ये दूसरी साइड पे यहाँ पे कलावंती फोर्ट, पनवेल, और जो ये पनवेल की साइड में जो भी माउंटेंस है वो पूरे रेंज माउंटेंस के दिखते हैं, और नीचे दोधानी विलेज दिखता है, पनवेल सिटी दिखती है, और दोधानी विलेज का जो रिवर जाता है वो रिवर व्यू भी यहाँ से आप देख सकते हो।